अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो बहू, चलकर कुछ खा लो। ऐसे ही रोती रहोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। चल। अम्मा, गृहस्थी उन्होंने छोड़ी है, रिश्ते उन्होंने बुलाए हैं, मैं नहीं भूली हूँ कुछ भी। मैं अभी भी पत्नी हूँ उनकी। वो भूखे रहेंगे तो मैं कैसे खाना खा लूं? ये कैसी जिद है यशोदा? वो खाना नहीं खाएगा तो तुम भी नहीं खाओगी। और तुम लोगों को ऐसे देखकर तुम्हारे माँ बाप यूं ही तड़पते रहेंगे। हर घटना का एक निश्चित अंत होता है अम्मा। अशोक जी के भागने की इस घटना का भी अंत होगा और वो इसी जिद में होगा। इसीलिए जो जैसे चल रहा है चलने देते हैं, सब कुछ झेल लेते हैं। दो चार दिन भूखे रहने से मर नहीं जाएंगे हम। और अपने बेटे बहू को भूखा देकर हम मर जाएंगे। देखो बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। अशोक अब सन्यासी हो गया है। वो घर गृहस्थी, माँ बाप, अपनी पत्नी, बच्चे सबसे दूर रह सकता है, तो अन्य से भी कुछ दिन दूर रह लेगा। लेकिन तुम वैसी नहीं हो यशोदा, तुम अभी भी एक बीवी हो, अपने बच्चों की माँ हो, हमारी बहू हो। जिद छोड़ दो, चलकर कुछ खा लो। अम्मा, समझने की कोशिश कीजिए ना। इतने महीनों से इतने दूर थे वो मुझसे। जब भी मन में ये ख्याल आया कि अशोक जी ने कुछ खाया होगा या नहीं, मैं कैसे खाऊं? आपको, बच्चों को देख के रोका मैंने, खुद को भूखा नहीं रखा कभी। लेकिन यहाँ पे है वो अम्मा, घर के दरवाजे पर, इतने करीब, कैसे? तो फिर ठीक है, चलो यहां से, चलो यहां से दूर रहोगी तो अशोक को दरवाजे पर भी नहीं देखोगी। मतलब? तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि जब ये मसला सुलझ जाएगा तो हम लोग घूमने के लिए कहीं बाहर चलेंगे, लेकिन इस मसले को सुलझने का इंतजार नहीं करते। हम अभी चलते हैं और पीछे के दरवाजे से चलेंगे, तुम चलो बस। मैं कैसी बात कर रही है? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मैं भगोड़ी नहीं हूँ अशोक जी की तरह, जो हालात से लड़ने के बजाय भाग जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। तो अशोक यूं ही दरवाजे पर बैठा रहेगा और तुम उसे देखकर घुट घुट कर मर जाओगी। हम कहते तुम चलो। नहीं, भगोड़ी नहीं हूँ उनकी तरह। सुना आपने? भगोड़ी नहीं हूँ आपकी तरह। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।